एपिसोड 13 की शुरुआत में मोई को दिखाया जाता है जो बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वायन वहाँ आती है। वो उससे कहती है, मेरा न्यू बैग कैसा लग रहा है, मैंने अभी इसे खरीदा है। मोई उसका बिना कुछ जवाब दिए कहता है, पैकिंग करना शुरू कर दो, हम अगले हफ्ते वापस जा रहे हैं। तो वायन कहती है, अगले हफ्ते, लेकिन क्यों? मोई कहता है, क्यों वाली क्या बात है, वापस तो हमें जाना ही है ना, और वैसे भी हम जिस काम के लिए आए थे वो हो चुका है। तो वायन कहती है, पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम न्यू ईयर तक यहाँ मेरे साथ रुकोगे। मोई कहता है, तुम यहाँ इसलिए रुकना चाहती हो ना जिससे तुम मेरे भाई को फंसा सको। तो वायन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? मोई कहता है, मुझे वो भी ने सब कुछ बता दिया है, तुम प्राइवेटली उसे कॉन्टैक्ट कर रही हो, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? वायन कहती है, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तभी मोई उसे उसकी और वूबी की फोटोग्राफ दिखाता है जब वो दोनों कैफे में थे, जिसे देखकर वायन आगे कुछ नहीं कह पाती। मोई कहता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वो भी मेरा इकलौता भाई है, उससे दूर रहो। तो वायन कहती है, अगर मैं यहीं रुकना चाहूँ तो? मोई कहता है, ठीक है, फिर मुझसे ब्रेकअप कर लो। दूसरी तरफ वो भी अकेले सड़कों पर घूम रहा था, वो काफ़ी लोनली फील कर रहा था। तभी वायन उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि तुमने अपने भाई को क्या बातें कही हैं। वो भी कहता है, वही जो मुझे कहना चाहिए था, तुमने सुयू के सामने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तो मैंने भाई के सामने तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया। वायन कहती है, वो भी तुमने सीक्रेटली हम दोनों की कैफे में पिक्चर भी क्लिक कर ली। वो भी कहता है, तो क्या हुआ, तुमने भी तो उस दिन बार में हमारी फ़ोटो क्लिक की थी ना। वायन कहती है, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, मैं तुम्हारे भाई से अब ब्रेकअप कर चुकी हूँ, अब मैं ओपनली सुयू को अपना बना सकती हूँ। ये सुनकर वो भी कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम दोनों को हैप्पीनेस विश करता हूँ। वहीं सुयू पेड़ के नीचे जाकर वो बॉक्स निकालता है जिसमें उन तीनों ने अपनी अपनी विश लिखी थी। वूबी की विश को पढ़कर वो मुस्कुराने लगता है, जिसमें हमें नहीं बताया गया कि क्या लिखा हुआ था। फिर वो अपनी विश बदलकर उस बॉक्स में वापस रख देता है। वायन ने सुयू को मिलने के लिए बुलाया था, पर सुयू वूबी के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि कल न्यू ईयर ईव होने वाली थी। सुयू सोच रहा था, क्या वूबी न्यू ईयर के दिन अकेले रहने वाला है? तभी वायन उससे कहती है, सुयू तुम क्या सोच रहे हो, ऐसे बैठे रहना कितना बोरिंग है ना, क्या तुम ये मिल्कशेक पीना चाहोगे? सुयू उससे कहता है, तुम्हें पता है कि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। तभी वायन कहती है, याद है स्कूल डेज में जब मैं मिल्कशेक पिया करती थी, मुझे हमेशा डर लगता था फर्स्ट सिप पीने से, ये सोचकर कि ये बहुत ठंडा होगा, और तुम हमेशा पहला सिप पिया करते थे। सुयू का उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं था, बल्कि वो उससे पूछता है, तुम कब वापस जा रही हो? तो वायन कहती है, क्या तुम मुझे वापस भेजने के लिए इतने ज़्यादा ईगर हो? सुयू कहता है, तुम्हें जल्दी वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारा वहाँ स्कूल भी तो है। वायन कहती है, पिछले कुछ दिनों में तुम बहुत बदल गए हो सुयू, क्या वूबी ने फिर से तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा? मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो जो भी कुछ कह रहा है वो सब कुछ गलत है। सुयू कहता है, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वैसे भी उस दिन के बाद से हम दोनों का कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ है। वायन कहती है, फिर तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो, क्या इसलिए क्योंकि वो भी मुझे पसंद करता है? सुयू कहता है, हाँ, इसीलिए क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। वायन कहती है, पर मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुयू कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। वायन कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है सुयू, क्या तुम मुझे सच में अब पसंद नहीं करते? पर ऐसा नहीं हो सकता, लास्ट टाइम तुमने जब मुझे और वूबी को साथ में देखा था तो तुमने उसे मारा भी था। सुयू कहता है, वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था, वो मैंने अपने लिए किया था। उसके बाद वायन वहां से बाहर जा रही थी, उसके हाथ में सुयू और अपना एक फोटो था। सुयू ने उसके बाद वायन से कहा था, वायन मैंने पिछली बार तुम्हें रिजेक्ट किया था क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने बहुत छोटा फील होता था, पर इस बार मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। वायन पूछती है, तुम एक साल के अंदर अंदर इतना कैसे बदल गए? तो सुयू कहता है, इंसान कभी भी समय की वजह से नहीं बदलता, बल्कि वो अपने आसपास के लोगों की वजह से बदलता है। वायन उससे रोते हुए पूछती है, इसका मतलब मेरे वापस आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? तो सुयू कहता है, थैंक यू सो मच वापस आने के लिए, इससे मैं खुद अपने दिल को क्लियरली देख पाया और समझ पाया, मेरे दिल में एक हिचकिचाहट थी जो अब पूरी तरीके से जा चुकी है। वायन कहती है, जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो तो खिंचवा सकती हूँ ना? सुयू उसे हाँ कर देता है। उसी फ़ोटो को वापस लिए वायन जा रही थी। आखिरकार वो वूबी के कज़िन भाई के साथ वापस एब्रॉड लौट जाती है। सुयू जब घर वापस आता है तो वो वूबी के सामान में वही स्टैचू देख लेता है जो वूबी की माँ ने बनाया था। सुयू को याद आता है कि बचपन में उसके डैड ने ठीक ऐसा ही फ़ोटो उसकी माँ को भी दिया था।
और रूबी की कही हुई लाइन्स याद आती हैं जब रूबी ने कहा था कि मुझे वो स्टैचू सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मेरी माँ का बनाया हुआ आखिरी स्टैचू था। मैं आज भी उनकी वॉर्म्थ उस पर फील करता हूँ और वो स्टैचू बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। यही सब सोचते हुए सुयु तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए पहुँच जाता है जो उसे देखकर बहुत खुश होती हैं और अंदर आने के लिए कहती हैं। सुयु कहता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। उसकी माँ कहती हैं, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो? वो भी मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं तुम लोगों को बहुत मिस करती हूँ। मैं तुम्हारे फादर के घर इसलिए नहीं गई क्योंकि वो सोचेंगे कि मैं ड्रामेटिक बन रही हूँ। वो वुमन तुम्हारे साथ गलत तरीके से पेश तो नहीं आती ना? वो तुम्हें एटीट्यूड तो नहीं दिखाती ना? मैंने तुम्हें कितने लंबे समय से नहीं देखा है। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है सुयु। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। तभी सुयु उनसे कहता है, मैं ऑलरेडी खाकर आया हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनसे पूछता है, आप यहाँ अकेली रह रही हैं? तो वो कहती हैं, हाँ। हाउसकीपर न्यू ईयर के लिए अपने होम टाउन गई हुई है। वो भी के डैड अब्रॉड गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। और वो भी का तो तुम्हें पता ही है, वो तो कभी यहाँ नहीं आता। क्या तुम कैंडीज़ खाना चाहोगे? सुयु कहता है, मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। अब वो उन्हें वो स्टैचू दिखाते हुए कहता है, क्या आपको उस स्टैचू के बारे में कुछ याद है? सुयु की माँ को याद आता है कि जब वो फूबी की माँ से मिलने के लिए आई हुई थी, उन्होंने उसे अपनी बनी हुई सारी मूर्तियाँ दिखाई थी। फूबी की माँ कहती हैं, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो कोई तुम एक अपने लिए रख लो। तुमने मेरे बर्थडे पर गाना गाया तो मेरी तरफ से उसे गिफ्ट समझ लेना। सुयु की माँ उनसे कहती हैं, इनमें से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अगले महीने मेरे बेटे का बर्थडे है। क्या आप उसकी छोटी सी मूर्ति मेरे लिए बना सकती हैं? मैं उसे गिफ्ट में देना चाहती हूँ। फूबी की माँ कहती है, हाँ बिल्कुल। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। सुयु की माँ सोचने लगती है, मुझे तो लगा था कि वो एक ऑनरेबल आर्टिस्ट हैं और इस बात के बारे में बहुत लंबे समय पहले भूल गई होंगी, पर उन्होंने सच में मेरे लिए ये मूर्ति बनाई। सुयु कहता है, वो मर रही थी फिर भी उन्होंने आपके बेटे के बर्थडे के लिए ये मूर्ति बनाई। और आप दूसरी तरफ क्या कर रही थी? उनके बेटे की स्टेप मदर बनने का सोच रही थी? तो सुयु की माँ कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनसे तब केवल एक बार ही मिली थी। मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे उनके एक्सीडेंट के बारे में पता चला। मैं कभी भी किसी की शादी को तोड़कर अपना घर नहीं बसाती सुयु। सुयु कहता है, मैं आपके अफेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बस वो भी के लिए बुरा फील हो रहा है। ज़रा सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ मरते वक्त भी आपके बेटे की मूर्ति बना रही थी, तो उसे कैसा फील होगा? सुयु की माँ कहती है, प्लीज़ उसे कुछ मत बताना, वरना वो पक्का सोचेगा कि उनके कार एक्सीडेंट से मेरा कुछ लेना देना है। सुयु कहता है, जब आपका कुछ लेना देना नहीं है तो आपको डर क्यों लग रहा है? सुयु की माँ कहती है, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बस इस बात को लेकर वरिड हूँ फिर मेरे और वूबी के बीच की गलत फहमियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उसे कुछ मत बताना। लैंटर्न फेस्टिवल आ चुका था और वो चारों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। सुयु जैसे ही अपना डिनर कर रहा था, अचानक उसे कुछ याद आता है और वो उठकर चला जाता है। झाओ कहती है, क्या वो किसी बात को लेकर परेशान है? उसने ठीक से खाना नहीं खाया। तो सुयु के फादर कहते हैं, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। सुयु कुछ खाना पैक करते हुए जा रहा था, तभी उसके फादर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? सुयु कहता है, मैं वूबी के पास जा रहा हूँ। सुयु का फादर कहता है, पर आज लूनर मंथ का 15वां दिन है। आज का दिन सब लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताते हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ बिजी होगा। सुयु कहता है, उसके डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, घर पर केवल माँ हैं जिनके पास वो नहीं आना चाहता। सुयु का फादर सोचने लगता है, कभी कभी मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आता है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। वो भी अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, सुयु को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। सुयु उसे कहता है, क्या हुआ, तुम फ्रीज क्यों हो गए? वो भी उसे तुरंत गले लगा लेता है। सुयु भी मुस्कुराने लगता है। जब दोनों साथ में बैठे हुए थे, तभी वो भी सुयु से पूछता है, क्या उस चालाक लड़की ने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी उसके और मेरे भाई के बारे में? प्लीज़ ये मत कहना कि तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता। हो सकता है अभी उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया हो, पर जब वो तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, वो सच में मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में थी। सुयु कहता है, अगर वो तुम्हारे भाई के साथ रिलेशनशिप में थी भी तो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर चुका हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। वो भी कहता है, तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? सुयु कहता है, क्योंकि दुओ ने मुझसे कुछ कहा था जो तुमने उससे कहा था। अब तुम बैठकर सोचो कि तुमने ऐसा दुओ से क्या कहा था। तभी वो भी देखता है कि सुयु अपने साथ एक बैग लेकर आया था जिसे उसने टेबल पर रख दिया था। वो भी पूछता है, ये क्या है?
सुयो कहता है, सॉरी मैं भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स लेकर आया था। आज लूनर मंथ का 15 डे है, आज के दिन ये ज़रूर खाते हैं। वो भी कहता है, मैं दो दिन से रात भर जागा हुआ हूँ, मैं भूल ही गया था कि आज फेस्टिवल है। तो तुम यहाँ मेरे पास मेरे साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए हो? सुयो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, घर पे बहुत शोर हो रहा था क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वो भी उसे कहता है, सुयो क्या तुम कभी भी मुझसे कुछ अच्छा नहीं कह सकते? सुयो कहता है, मुझे डर है कि अगर मैं तुमसे कुछ अच्छा कहूँगा तो तुम रोने लग जाओगे। वो भी कहता है, अच्छा मुझे रुलाकर दिखाओ। सुयो कहता है, आज से उस दिन तक जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और सारे फेस्टिवल्स तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करूँगा। ये सुनकर सच में वूबी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो सुयो से कहता है, मैं डम्पलिंग्स गर्म करके लाता हूँ। सुयो कहता है, ठीक है पर उन्हें जला मत देना। और आखिरकार वूबी सारी डम्पलिंग्स जला ही देता है। वूबी कहता है, क्या हमें इन्हें फेंक देना चाहिए? सुयो कहता है, क्या तुम पागल हो, फूड वेस्ट मत करो। और वो उन जले हुए डम्पलिंग्स को ही खाने लगता है। वूबी उससे पूछता है, ये कैसे हैं? सुयो कहता है, ठीक है, पर जब वो भी टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत कड़वे लगते हैं, वो तुरंत थूक देता है। वो भी कहता है, तुम इन्हें कैसे खा सकते हो? सुयो कहता है, क्योंकि मुझे स्वीट्स पसंद है। अगले दिन जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो माओचोंग सुयो के पास आकर कहता है, आजकल तुम कहाँ रहते हो, हम लोग आपस में बात ही नहीं कर पाए हैं, मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस भेजे और तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। माओचोंग के सुयो को टच करने से वो भी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी माओचोंग सुयो के चीक्स पर हाथ फैलाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वेट भी काफ़ी कम हो गया है, न्यू ईयर के दौरान लोगों का वेट बढ़ता है और तुम्हारा कम हो रहा है। कैंपस में पहुंचने के बाद माओचोंग सुयो को फ्राइड केक्स लाकर देता है और उससे कहता है, मेरी माँ ने ये बनाए हैं, इन्हें खाकर देखना, अगर तुम्हें ये टेस्टी लगे तो मेरे घर आ जाना, माँ और बना देंगी। उसी वक्त बोक्यांग भी आ जाता है, दूसरी तरफ से सुयो को बोक्यांग पकड़ लेता है। वो दोनों ने सुयो को जकड़ लिया था और वो भी बेचारा पीछे रह गया था। माओचोंग सुयो से कहता है, इसे तुम ही खाना और किसी के साथ शेयर मत करना। जब वो तीनों चले जाते हैं वो भी बेचारा अकेला खड़ा माओचोंग की एक्टिंग करने लगता है और मुंह बनाने लगता है। रात के वक्त जब दोनों साथ में बैठे हुए थे सुयो को भूख लगने लगती है और वो उन्हीं पैनकेक्स को निकालता है। वो भी कहता है, कहाँ जा रहे हो? सुयो कहता है, मैं जाओ के पास जा रहा हूँ जिससे वो इन पैनकेक्स को फ्राई कर दें। वो भी कहता है, उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें वैसे भी सुबह सुबह अपनी स्टॉल खोलनी होती है, मुझे दो मैं इन्हें फ्राई करके लाता हूँ। सुयो पूछता है, क्या तुम सच में फ्राई कर पाओगे? वो भी कहता है, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मैंने मिस जाओ से बहुत कुछ सीख लिया है, मैं अभी इन्हें फ्राई करके लाता हूँ। सुयो उसकी बात पर हंसने लगता है। वो भी किचन में आ जाता है और जानबूझकर उन पैनकेक्स को बहुत ज़्यादा फ्राई कर देता है। वो अपने लिए एक अलग से निकाल लेता है जो उसने कम फ्राई किया था और उसे बहुत आराम से खाने लगता है। जैसे ही सुयो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि पैनकेक्स बुरी तरह जल गए थे। सुयो कहता है, क्या इन्हें सच में खाया जा सकता है? मैं जब इन्हें लेकर आया था तो ये येलो थे, ये ब्लैक कैसे हो गए? वो भी कहता है, मुझे ब्लेम मत करो, ये शुरुआत से ही ब्लैक थे, उन्होंने ऐसे ही बनाए थे। सुयो बेचारा खाने की कोशिश करता है जो उसे बहुत कड़वे लगते हैं। सुयो कहता है, स्कूल में तो इनका टेस्ट अच्छा आ रहा था, अभी अजीब क्यों लग रहे हैं? वो भी कहता है, मैंने कहा था ना ये शुरुआत से ही अच्छे नहीं थे। अगले दिन स्कूल में माओचोंग बोक्यांग से कहता है, क्या तुम उस लड़की गो शाओरू से मेरा छुटकारा पाने में मेरी मदद करोगे? वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और ये सब बहुत एनोइंग लग रहा है। बोक्यांग कहता है, क्या जानबूझकर मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो? माओचोंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ? मैं सच में उसे पसंद नहीं करता, प्लीज़ उससे छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। माओचोंग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ? तुम्हारी जगह जाकर मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ और उसे हार्श वर्ड्स कहूँ जिससे वो मुझसे ज़िंदगी भर नफरत करे? मैं पहले ही बता दूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। माओचोंग कहता है, तुम्हें ऐसा कुछ करना भी नहीं है, गो शाओरो ने मुझे लंच पर इन्वाइट किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी गर्लफ्रेंड बनकर। मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे साथ देखकर फिर तो वो मुझे भूल ही जाएगी ना? वो क्या कहता है, ये तो और भी बुरा है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगा? और तुम क्लास में से किसी लड़की को क्यों नहीं ले लेते? माओचोंग कहता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्लास में से लूंगा तो मुझे स्कूल में भी उसका बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करना पड़ेगा, और तुम्हें मेरे साथ बस लड़की बनकर चलना है, यहाँ आकर तो तुम लड़के ही होंगे ना, और सच कहूँ तो पूरे स्कूल में तुमसे ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं है। वो क्या कहता है, अपना मुँह बंद रखो। माओचोंग कहता है, प्लीज़ सोचो ना, अगर मैं किसी लड़की से कहूँगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, पर तुम एक लड़के हो,
तुम्हारे साथ सब कुछ डिफरेंट होगा। आखिरकार माओ चोंग बोक्यांग को मना ही लेता है उसके साथ लड़की बनकर डेट पर जाने के लिए। बोक्यांग अपनी फेक ब्रेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये सिलिकॉन जैसी चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है। बोक्यांग मन में सोचने लगता है, मैं इस ड्रामा के लिए तैयार हो गया, शायद ये मेरे लिए अच्छा ही है। जब वो पूरी तरीके से माओ चोंग को भूल जाएगी तो मेरे पास एक चांस हो सकेगा, वो मेरी बन सकेगी। वो लोग फाइनली उस ताइवानीज लड़की से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। माओ चोंग को उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी वो उन दोनों को वहां बैठने के लिए कहती है। माओ चोंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है निन्निंग। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।